रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वर्दा श्वेब एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय शो जो है रिवायतों की लज्जत। और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो को इतना पसंद कर रहे हैं, आपका फीडबैक हमें मिल रहा है, आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत नवाजिश जनाब। और हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक वो रेसिपीज पहुँचाएँ जो डिफरेंट हो या फिर ऑथेंटिक उस इलाके से हो, आप उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो कि आपको परफेक्ट रेसिपी जो है आप तक पहुँचा सकें। जनाब, खाना पकाते हुए अक्सर ऐसा होता है जिस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं वो है उसकी खुशबू। खाने की खुशबू जो है वो ऐसे फैलती है, अव्वल तो जो पका रहा होता है उसको इतनी नहीं आती है, लेकिन हाँ हमारे गली मोहल्ले में तमाम लोगों को पता चल जाता है कि जनाब आज फलाने घर में जो है वो आलू गोश्त पके हैं, या फलाने घर में कबाब बन रहे हैं, या निहारी बन रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी है, तो सबको पता होता है। तो खाने की खुशबू जो है वो बहुत मैटर करती है। खुशबू की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैं स्टूडियो में एंटर हुई तो मुझे जो है वो खुशबू से अंदाज़ा हो गया कि रेसिपी क्या होगी, और आई एम श्योर ये रेसिपी जो है वही है और आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम बुलाते हैं हमारी आज की गेस्ट को और उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या रेसिपी बना रही हैं और फिर हम आपसे भी शेयर करेंगे। वो आज की जो मेरी गेस्ट है वो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, वो एक एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं और कई ड्रामों पर भी नज़र आई हैं हमें, तो अब आप सोचते होंगे वो कौन है। तो आइए मेरे साथ हम बुलाते हैं अलबीना को। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा अलबीना, मुझे आते ही यहाँ पे स्टूडियो में खुशबू से अंदाज़ा हुआ और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स देख के कि शायद आज कुछ टिक्का शिक्का टाइप का कुछ कढ़ाई शायद टाइप की कुछ बन रही है, राइट? जी बिल्कुल, ये मसालों की खुशबू बता रही होगी कि टिक्का बनने वाला है। टिक्का बनने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो आप क्या बना रही हैं? अच्छा आज मैं बना रही हूँ बलोची टिक्का। बलोची टिक्का, तो जनाब बलोची टिक्का कि मैं क्या आपको बैकग्राउंड बताऊं, बलोची टिक्का तो जैसे नाम से लगता है कि बलोचिस्तान की डिश है, वहाँ से फेमस है, वहाँ से बलोचिस्तान से ही मशहूर हो कि आया हमारी जो है वो हाईवे की तरफ, हमारी हाईवे की रौनक बना कि हर कोई चाहता था कि बलोची टिक्का खाने वो हाईवे पे जाए, और फिर हाईवे से ये बढ़ बढ़ के जो है वो अब तमाम घरों की तरफ भी आ गया है और शहर में भी तमाम रेस्टोरेंट्स में स्पेशली एक बहुत ही फेमस फूड स्ट्रीट बनी है हमारी कराची में, वहाँ की तो ये जान है और शान है आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, हर कोई जाके खाता है वहाँ पे। जनाब ये रेसिपी हम आप तक लेके आए हैं ताकि आप आसानी घर पे बना सकें और सेफ रहें। तो चलिए मुझे बताइए सबसे पहले क्या करना है। ये सबसे हमारी फेवरेट डिश तो है। फिर तो आप कितनी बार खा चुकी हैं? जी बहुत। अच्छा बाहर से जितनी दफा खाइए उससे कहीं ज्यादा दफा घर पे बना के खाइए, और वो जो मजा और लज्जत घर के खानों में है वो कहीं भी नहीं। आप कहते हैं ना कि आप डेली कितने ही बाहर के खाने खा लें, लेकिन घर में जब दाल चावल या दाल रोटी ही बनी होती है ना 4-6 दिन बाद, तो आपको वही जो है वो कह रहे होते हैं कि जी जनाब इससे बेहतरीन खाना और क्या। अच्छा एक जमाने में स्पेशलिटी थी कि साग जो था वो सिर्फ पंजाबी लोग खाते हैं, और हैदराबादी बिरयानी जो वो हैदराबादी खाते हैं, मेमन मिठाई मेमन खाते हैं, लेकिन अब हर घर में वो चीज चलती है। अब जैसे मेरे हस्बैंड, हम लोग पठान फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो पठानों के घर में साग भी बन रहा है, पठानों के घर में बलोची टिक्का भी बन रहा है, मतलब अब वो हर जगह ट्रांसफर हो रही है। Exactly. और यही हमारी जो हमारी कोशिश होती है हमारी ट्रांसमिशन की है, हमारे शो की, हम आप तक तमाम रिवायात पहुंचा सकते हैं ताकि कोई एक भी खाना जो है वो एक मखसूस इलाकाई बन के ना रह जाए, बल्कि वो आप सब लोग इंजॉय कर सकें। और वैसे भी अलबीना, आजकल सब लोग जो है वो खाने पीने की शौकीन हो गए बहुत ज़्यादा। मैं अक्सर बात करती हूँ हमारे शो पे कि खाना जो है हमारी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है हमारे लिए, और स्पेशली कराची वालों के लिए, कि हमें कहीं घूमने का बहाना चाहिए डिनर के लिए बाहर चले। जैसे आप फैमिली को विजिट करते हैं आप कहते हैं हमें, हम आ रहे हैं आप हमें क्या खिला रहे हैं, तो हमारा सवाल यही होता है खाने पे, आप हमें ट्रीट दे रहे हैं तो क्या खिला रहे हो, कहाँ पे दे रहे हो। हम जो है वो खाने पे ही फोकस हमारा खाने पे, हमारी हर चीज खत्म हो जाती है, चाहे वो आउटिंग हो, चाहे वो गैदरिंग्स हो, चाहे वो पार्टीज हो, चाहे कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये हर जगह होता है, और ये एक छोटी सी तरीका है, एक जेस्चर है आपस में मोहब्बत बांटने का, एक मिल बैठ के दस्तरखान पे बैठने का, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतनी मसरूफ हो गई है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि अपने अपनों के साथ या अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस तरह से मिल बैठ के प्रॉपर खा सकें। कोई दौर था जब एक पता था लंबा दस्तरखान लगता था और पूरी फैमिली के लोग, दादा दादी, नाना नानी, चाचू चाची, बच्चे, तमाम घर के बड़े और बुजुर्ग सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे। बिल्कुल, आजकल की सीरियसली मैं ये बात कहूँगी कि हमारे बच्चे उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, टाइम ऐसे हो गए, किसी की ऑफिस आवर्स ऐसे होते हैं कि वो रात में होते तो वो रात खाने पे अवेलेबल नहीं होते, कोई लंच पे अवेलेबल नहीं होता, तो वीकेंड ही शायद एक मुश्किल से मिलता है जी। हम
कुछ कर सकते हम भी वीकेंड पे कोशिश करते हैं अपनी रवायत को बरकरार करते हुए ये ट्रेडिशनल डिशेस बनाएं और अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करें। तो चना बनाना शुरू करें जी, बिल्कुल बिल्कुल के साथ एंजॉय कर सके। ठीक है, इसके लिए आपको एक पैन में, आपने स्टोव ऑन नहीं करना, आप क्या करेंगे, मैं तो आइडिया से डाल रही हूँ, आप मेजर करके 2 कप के करीब आपने ऑयल जो है वो डाल दें। ठीक है, मैंने 750 ग्राम जो है चिकन ली है और इसको मैंने सॉल्ट वाटर में, यानी कि आधा चम्मच मैंने इसमें नमक और आधा कप पानी में इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया है, क्योंकि मैं इसको ऊपर से इस पर नमक नहीं छिड़केंगे ना डालेंगे, इसी नमक में इसका अंदर तक इसका फ्लेवर जाना चाहिए। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, ये चिकन जो है गर्म ऑयल में नहीं, ठंडे ऑयल में जाएगी। इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगी, आप पूछेंगे कि ठंडे ऑयल में क्यों जा रही है, तो इसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। अच्छा, पानी नहीं आप इसमें ऐड करें, ये वाला ये वाला पानी नहीं मैं ऐड करूँगी, मैं थोड़ा और पानी ऐड कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल इससे हो जाएगा आसानी से जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक नमक सा ना हो जाए, क्योंकि दूसरे मसाले, उन सब मसालों में थोड़ा बहुत नमक का फ्लेवर आता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमने क्या किया, नमक मिले हुए पानी में आपने कम से कम आधा घंटा इसको रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ठंडे ऑयल में ये चिकन डालनी है और आपने इसके बाद स्टोव जो है ऑन कर देना है। ठीक है, अब साथ ही आपने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। अब मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसको ठंडे ऑयल पे हमने क्यों डाला। देखिए, जब आप चिकन जो है वो बहुत गर्म ऑयल में कोई भी चीज़ डालते हैं ना, उसके ऊपर से स्किन एकदम से वो जलना शुरू हो जाती है, और चिकन के अंदर ये है कि हम जब चिकन खाएं तो हम कोशिश करते हैं वो जूसी हो, तो वो जूसी नहीं रहता एकदम से, वो ऊपर से अकड़ सा जाता है, तो बहुत ड्राई और ऐसे कड़क सा वो हो जाता है, इसलिए आपको उसमें पानी भी डालना है, ऑयल भी डालना है ठंडे ऑयल में। अब मैंने ऑयल का जो वो इसका स्टोव ऑन किया है, अब ये होगा कि ये चिकन अंदर तक जूसी होके बनेगा, एकदम गर्म में जैसे आप फ्राइज बनाते हैं तो चिप्स एकदम एग्जैक्टली, तो इसको हमने क्रिस्पी तो करना है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ही अंदर से जूसी होना चाहिए जी। बिल्कुल, एक और रीज़न भी है, क्योंकि हमने चिकन को जो है वो बलोची टिक्की के लिए पानी में डिप करके रखते हैं नमक के, जब आप पानी से डायरेक्ट निकाल के गरम तेल में डालेंगे तो एकदम से छींटे उड़ेंगे। एग्जैक्टली, तो और वो भी जो है फिर वो कहीं से चिपक भी जाएगी आपके पैन में, छींटे भी उड़ेंगी, तो आपको उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता बिल्कुल। है बलोची टिक्का जो है यूजली, वैसे कि आप बलोची कढ़ाई की तरह ये बनती है, लेकिन ये टिक्का कढ़ाई टाइप का थोड़ा सा जी, क्योंकि ड्राई है तो इसलिए इसे टिक्का कहेंगे जी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये आप बना रही है, अच्छा इसके मसाला भी आप अलग से बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाना बताएंगे जब तक चिकन? मैं बिल्कुल, मैं वो बनाना बताऊंगी, पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही थी ताकि सेट हो जाए, इसको थोड़ी सी तेज़ आंच में कर लें क्योंकि चिकन को आपको पता है पकने में टाइम नहीं लगता। तो इसका एक स्पेशल मसाला होता है जिसको बहुत सारे मसालों से मिल के बनाते हैं और जिसकी खुशबू बनते ही पता चल जाती है कि क्या बन रहा है। ठीक है, अब मैंने एक बाउल लिया, इस पर मैंने ये है साबुत धनिया, लेकिन ये कुटा हुआ है, इसको पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे कुटा हुआ चाहिए जी। 1, 2 और ये 3 चम्मच मैंने ले लिया। ठीक है, इसके बाद ये ज़ीरा है, ये भी कुटा हुआ में चाहिए, सही, ये भी मैंने ले लिया 1 और 2 चम्मच के करीब, सही है। और इसके बाद इसमें जाएंगी काले मिर्च, काले मिर्च सिर्फ 1 चम्मच जाएगी, सही। ये आप लोग लाजमी नोट डाउन कर लीजिए, ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, ये कि मसाला बन रहा है बलोची टिक्के का, अगर मेजरमेंट 19-20 हो गई तो वो फ्लेवर आपको नहीं मिल सकेगा, राइट जी। बिल्कुल, अच्छा इसे कहते हैं कसूरी मेथी, ये ड्राई की हुई, ये इस तरह मिल जाती है आपको अक्सर पैकेट में भी, ये आपने 2 चम्मच डालना है, इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर जो है इसको दूसरे टिक्कों से मुनफरद करेगा। अच्छा, इसके साथ हम लेंगे, आप कोई सा भी पैकेट का चाहे कढ़ाई मसाला ले लें, कढ़ाई मसाला बनता है, लेकिन उसकी अलग से मुझे रेसिपी देनी पड़ेगी, तो हमारे पास टाइम कम है, तो मैंने कढ़ाई मसाला जो पैकेट का है वो यूज़ किया है, 2 चम्मच ये कढ़ाई मसाला हो गया। इसके बाद हमारे पास 1 चम्मच होगा गरम मसाला, ये हो गया गरम मसाला, हमें चाहिए लाल मिर्ची। अच्छा, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म है, लेकिन कुटी हुई हो तो और ज़्यादा अच्छा जी। बिल्कुल, ये हम लेंगे 1 भर के चम्मच और 1 हाफ। ठीक है, नमक भी इसमें ऐड करेंगे आप? नमक नहीं, नमक उसके अंदर ऑलरेडी जा चुका है, और ये सारे मसाले जो है ना, ये जब किसी चीज़ में जाते हैं तो उसका नमक का टेक्सचर खुद ही ऑटोमेटिक आ जाता है। और वैसे भी कढ़ाई मसाला अगर आप इसमें डाल रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी जो है वो नमक शामिल होगा। बिल्कुल पैकेट का अगर आप बिल्कुल कर रहे हैं तो। अब मैं 1 चम्मच के करीब इसमें डालूंगी चाट मसाला भी, सही, ये भी आप पैकेट का चाट मसाला ले सकते हैं, भर के लेना था, अब ये मैंने 1 भर के चम्मच डाल दिया।
अब ये है कि ये बलोची टिक्का की रेसिपी है। मैंने आपको एक जो है इसका मिक्सचर जो पाउडर ऊपर हम इसके स्प्रिंकल करेंगे आइडिया दे दिया है। जब भी आप बनाएं आप चाहें तो अभी जितनी आपके चिकन है उस हिसाब से मसाला एक जार में सेव कर लें, जब आप बलोची टिक्का बनाना हो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अब मैंने मसाला तो इनकी क्वांटिटी के हिसाब से जो मुझे चाहिए था वो बना लिया, लेकिन जब मैं अपने चिकन को देखूंगी उसी हिसाब से इस पर स्प्रिंकल करूँ। जी चिकन आपके 70 ग्राम थे उसके हिसाब से एग्जैक्टली डालेंगे। ये ड्राई मसाला है, आप चाहें इसको एयरटाइट कंटेनर में जो है एग्जैक्टली आप रख भी सकते हैं। अच्छा जनाब, चिकन जब तक हो रही है तब तक मुझे एक ब्रेक लेना है अलवीना जी। जनाब ब्रेक लेना हमारे लिए ज़रूरी है, हम चाहते तो नहीं है ब्रेक लेना है, हम चाहते हैं कंटिन्यू करें तो रेसिपी आपके साथ, बट ब्रेक भी ज़रूरी है ऑफकोर्स। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले हम चिकन को जो है वो फ्राई कर रहे थे, बलोची टिक्के की चिकन को। अच्छा अब आप मुझसे कह रही थी कि आपको इसमें कुछ ऐड करना जी। बिल्कुल अब हम क्या करेंगे कि आपने ये बड़ी वाली मिर्चें लेनी है, छोटी वाली नहीं, वो बहुत स्पाइसी हो जाता है उससे। ये सिर्फ हमने इसे फ्लेवर देना है इसमें हरी मिर्च का, तो इसलिए मैंने मोटी वाली मिर्चें यूज़ की हैं जिसे बुलेट ग्रीन चिलीज भी कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको क्या करेंगे, हम कट लगा लेंगे क्योंकि अगर ये कट नहीं होगी तो ऑयल में एकदम फ्राई होते हैं। एग्जैक्टली तो ये आप मैं आपकी हेल्प कर दूँ, हम तो वहाँ पे देखें चिकन को। चलो सही है, मुझे ये तीन दे दें क्योंकि ये साइज में बड़ी है तो इस चिकन के हिसाब से तीन। जी एक आप डाल चुकी हैं जी, ये एक और दो दे दें। चलो वन मोर। अच्छा ये एक और दे दी मैंने। बिल्कुल थैंक यू। इसमें आप कुछ और ऐड करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा जो मिर्चों का फ्लेवर चिकन को लग जाएगा इसके बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन ऐड करूंगी। अच्छा अदरक लहसुन भी आप देखिए, इन्होंने बहुत बारीक नहीं किया हुआ, इन्होंने मोटा मोटा जो है वो उसको आप कहें रफली चॉप कर लिया है या आप मोटा मोटा कहें उसको केक काट लिया है ना, बहुत बारीक जी है। इसको चॉप करना है, कोई भी पेस्ट आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि पेस्ट से बहुत मिक्स हो जाता है। हमें क्या करना है बलोची टिक्के में, ये होता है कि हम इसमें ग्रेवी तो होती नहीं तो हम अदरक लहसुन के अंदर जो स्पाइस सारे मिक्स हो जाते हैं ना समझे, इसी को आप नान के साथ भी खा सकते हैं और फ्लेवर इसका अलग से आता है, जो बिल्कुल पकी हुई भी होती है, फ्राई हुआ हुआ होता है, जी जी अपना एक अलग जायका। और इसको ये इतना खूबसूरत इसके कलर को इन्हांस करेगा कि वो बहुत यमी लुक देगा उसको। अभी तो मेरे मुंह में अभी से पानी। अच्छा तीन चम्मच अदरक और तीन चम्मच ही लहसुन आपने लेना है। मैंने ये दोनों कूटे थे एक साथ कूट लिए थे तो इसलिए एक साथ वो मिक्स कर लिए, तो इसीलिए मैं उनके तीन चम्मच जो है अदरक और तीन चम्मच लहसुन बहुत सारा ये भर के डालना है क्योंकि इसी के फ्लेवर से वो बहुत अच्छा सा बिल्कुल। आपको पता है अलवीना जी बलूचिस्तान के, एक तो बलूची टिक्का आजकल बड़ा फेमस है और उसके अलावा एक और कोई रेसिपी है जो बहुत फेमस है बलूचिस्तान में, आप जानती हैं उसका नाम? नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं थोड़ा सा कि पका रही हैं कुछ ठंडी करें, थोड़ा सा कुछ सवाल भी करें इनसे ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और हमारी नॉलेज में इजाफा हो। अच्छा डिशेस तो बहुत सारी होंगी लेकिन ये है कि ये हाईवे पे बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आजकल जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह लॉकडाउन की वजह से हाईवे की तरफ सब मूव कर रहे हैं तो हाईवे की तो ये स्पेशलिटी है। हाईवे बंद हुए हैं आजकल, तो कोशिश करें कि आप घर पे ही जो है वो बनाएं और ये आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन स्ट्रीट फूड है जो हम आज के शो के जरिए आप तक एग्जैक्टली पहुँचा रहे हैं। वैसे मैं आपको जो सवाल किया था मैंने आपको जवाब बताऊँ मैं आपको, दमपुख जी बिल्कुल एकदम से जहन है जी। हाँ नो डाउट बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं और जितने लोग यहाँ पे हमारे आते हैं उनके साथ तो हम अपना मुकाबला या कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि ये वो रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत ही मोहब्बत दिल के साथ हमारी रिवायती चली आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं किसी ने अपनी नानी से, किसी ने अपनी दादी से, किसी ने अपनी सास से सीखी हुई है। बिल्कुल तो इन रेसिपी से कंपैरिजन तो यहाँ पे प्रोफेशन से कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी रेसिपीज में एक मोहब्बत और एक जो प्यार होता है ना वो जायका बदल। बिल्कुल बिल्कुल, आप इनमें मसाले डाल सकते हैं वो मोहब्बत नहीं डाल सकते। और वो जो रिवायती इनके पता मसाले भी जो हमारी ना, अब तो हम सच बताना हम बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए हैं, हर चीज़ का हम मिक्स पैकेट ले आते हैं एग्जैक्टली या फिर हम अपने से मसाले घर पे ले आते हैं, लेकिन जनाब हमारी नानी दादी ने बड़ी मेहनत करी है। बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश कूटते थे भाई, बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश कूटती थी, जब भी तो उनके खानों में इतना जायका था
मेरे फादर हमेशा कहते थे कि कोफ्ते मैंने बहुत सारे खाए, लेकिन जैसे मेरी दादी कोफ्ते बनाती थी ना, वो जायका नहीं है बिल्कुल। कि वो कहते थे कि वो उसी वक्त तमाम मसाले कोफ्तों के जो उसी वक्त फ्रेश सिलबट्टे पे पीसती थी या फिर इमाम दस्ते में पीसती थी जी। और सिल के ऊपर जो है वो कोफ्ते पीस के उसी मसाला मिक्स करती थी। अच्छा, मैंने भी अपनी मदर को यही देखा। वो क्या होता था, एक वो ऊंडी टाइप जिसे कहते हैं, उसमें हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, वो एक एग्जैक्टली वो हमारे उधर लैंग्वेज में कुंडी कहते हैं एग्जैक्टली। तो वो उससे वो कूटते थे और वो अच्छा सा मसाला वो फ्रेश डेली खरीदा जाता था। हमारी तरह नहीं कि पेस्ट आपने रख दिया और डाला और बना दिया। तो फ्रेश खानों की तो फिर धनिया पाउडर भी, अच्छा धनिया पाउडर भी हो चाहे मिर्चों का पाउडर हो, कुछ भी हो, वो हमने बना बना के रखा हुआ था तो एक से एक महीने आप उसको रखते हैं, उसके एक तो अरोमा खत्म हो जाता है, खुशबू और सा जायका भी जो है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, बिल्कुल। प्रिजर्वेटिव भी यूज होते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी, इसलिए हम लोगों की जो है आज की और पहले जमाने की हेल्थ में बहुत फर्क होता था। चिकन आई गेस जी। अच्छा, इसको ना देखें, आप इसका लुक देखें, गोल्डन गोल्डन सा इसका ये लुक आएगा, ताकि थोड़ी सी ऊपर से अंदर से जूसी हो, ऊपर से क्रिस्पी हो। तो बस ये बस 2-3 मिनट और लगेंगे इसको, इसका फ्लेम हाई है, इसी में इसको बनाना है। फ्लेम में ही पकाना है, हाई देखिए, स्टार्टिंग में आपने मीडियम फ्लेम में पकाना है ताकि वो ऑयल और पानी में अंदर तक वो जूसी है वो गल जाए। जब वो अंदर से गलना शुरू हो जाए फिर इसको हाई फ्लेम पे बनाना है ताकि ये आपके जो अदरक लहसुन है, ये मिर्च है, इसको भी थोड़ा सा वो पका दे। चले जी, ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको किसी उसमें निकालूंगी, लेकिन मुझे स्ट्रेनर छन्नी चाहिए। आप इसको एक प्लेट में रख लें ताकि यहाँ रख लो ताकि इसका ऑयल इसके अंदर चला जाए। आप इसको निकालना स्टार्ट करें क्योंकि इसका ऑयल भी जो है वो एक्सेस ऑयल स्ट्रेन आउट हो जाएगा। तब तक हम जाके लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए रिवाइजों की लगभग। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत। और ये देखिए आपके सामने बलोची टिक्कर की जो चिकन थी वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी ब्रेक पे जाते वक्त, और हमने उसको निकाल लिया है ब्रेक में क्योंकि वो प्रॉपर रेडी हो चुकी थी। बलोची टिक्का मैं इसको अभी इस वजह से नहीं कह रही क्योंकि अभी इसमें कमी बाकी है, अभी सिर्फ चिकन है, बलोची टिक्का ये अब बनेगा जी बिल्कुल। जब इसमें जाएगा बलोची टिक्के का मसाला। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको जब डिश आउट करना है कोशिश करनी है कि ऑयल जो है उसको स्ट्रेन करके, मतलब ऑयल सारा आप इसमें नहीं जाएगा, आप इसको ड्राई ऐसे रखेंगे और फौरन से जब ये गर्म है इस पर गर्म गर्म ये आप स्प्रिंकल करेंगे, वरना वो ठंडे पे फिर वो नहीं होगा, सो मिक्स भी नहीं होगा मसाला जी। ये देखें, अब मैंने मसाला का मिक्स करना कैसे बलोची टिक्का मसाला, वो मैंने आपको बनाना बता दिया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल। समटाइम ये होता है बच्चे अगर खाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 चम्मच उस पर स्प्रिंकल करूँ, लेकिन जब हमने खाना हो, चटपटा खाने का मूड हो, तो फिर 3 चम्मच भी बिल्कुल उसको बढ़ा सकते। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर ये स्प्रिंकल करेंगे, साथ ही मैं इसके ऊपर लेमन जूस, ये 2 बड़े वाले चम्मच जो है इस तरह, आप इसके ऊपर पूरा लेमन जूस 2 चम्मच, अगर आपको बहुत चटपटा पसंद है आप और लेमन डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप चाहें तो इसको आपने जब बेसिकली चिकन को जो हमने छानना है वो आपने घर में कोई भी आपके पास छलनी है उसमें आप जो है वो चिकन निकाल लीजिएगा ताकि उसका एक्सेस ऑयल भी जो है वो निकल जाए। चिकन थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए आपके पास, और गर्म गर्म चिकन में आपने जो है वो बलोची टिक्के का मसाला स्प्रिंकल करके उसको, अगर बड़ा बाउल है आपके पास उसमें आप थोड़ा सा उसको मिक्स कर लीजिए ताकि ऊपर नीचे अच्छे से मसाला जो है उसका मिक्स हो जाए, और फिर उसको आप गार्निश कीजिए। जनाब ये देखें कितना मजे की खुशबू आ रही है। जी बिल्कुल। तो जनाब इस वक्त आप जाहिर सी बात है आपने नोट डाउन तो कर ली होगी हमारी रेसिपी, लेकिन जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया है उनके लिए हमारा रेसिपी कार्ड, जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीक्याप। बलोची टिक्का अज्जा, चिकन 750 ग्राम, हरी मिर्च मोटी वाली 4-6 अदद, अदरक कुटी हुई 3 खाने के चम्मच, लहसुन कुटा हुआ 3 खाने के चम्मच। बलोची टिक्के का मसाला, साबुत धनिया कुटा हुआ 4-6 चम्मच, जीरा 4-6 चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 3 चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, कढ़ाई मसाला 3 खाने के चम्मच, लीमू 4-6 अदद, हरा धनिया चॉप 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच। तरकीब, चिकन को आधा कप पानी में आधा चम्मच नमक में मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दें।
दो कप ऑयल में चिकन फ्राई कर लें, हरी मिर्च और अदरक डाल दें। जब चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ऑयल छान लें और ऊपर से बलोची टिक्का मसाला डालें, नींबू और धनिया से गार्निश करें और सर्व करें। जी जनाब, आई एम श्योर आपने रेसिपी कार्ड जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। और ये देखिए, बलोची टिक्का जो है वो रेडी हो चुका है। और बलूचिस्तान की हमारी सकाफत एक रेसिपी जो हम आप तक लेके आए, और आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। जी, ये बात है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सिर्फ जो है वो रेसिपीज़ आप तक ना पहुँचाएँ, बल्कि उनके बारे में थोड़ी सी हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, आपको मालूम भी दें, ताकि वो आपको पता होना चाहिए हमारे मुल्क के बारे में, हमारी सकाफत के बारे में, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनाब, इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच अलवीना, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई मस्ट से इट्स रियली डिलीशियस और बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड ऑफ कोर्स हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे, ताकि हम आपसे कुछ और भी आपकी सीक्रेट रेसिपीज जो है वो निकलवाएंगे। जी जनाब, इसी के साथ ही आज के एपिसोड का वक्त होता है ख़त्म, लेकिन हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी और एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी रेसिपीज को एंजॉय कीजिए। एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।